गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज आपको खूबसूरत से वेदर का नज़ारा कराया जाए, ये देखिए। अरे मैं भी वेदर जैसा हूँ। जस्ट जोकिंग यार, सी ब्यूटीफुल ना। ये एक छोटा सा बड़ा क्यूट सा रेस्टोरेंट है मुनिरका के अंदर और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। जब भी मेरा मन करता है मैं चाय सैंडविच खाने पीने के लिए आ जाती हूँ। बैठने का एनवायरनमेंट बहुत ही प्यारा है। ये है NEC, आपको सुपरमार्केट के सामने मिलेगा। सो गाइस, मैंने आपको जो बताना था, मैंने बताना था आज एक अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर आपको बताना था। क्या बताना था? सबको सुनना है, ठीक है? तो गाइस बता देती हूँ, मैंने एक ऑनलाइन कोरियर बुक किया था sulabh.com वेबसाइट से। देखिए कहीं पर भी पिक्चर अच्छी नहीं आ रही है। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ मूव ऑन करने की, लेकिन हर जगह से सिर्फ धूप ही आ रही है। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा है, आप लोग धूप में बैठ के मज़े कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ हवा ज़्यादा है। तो मुझे आपको बताना था कि मैंने एक वेबसाइट sulabh.com से एक कोरियर बुक किया था और उसमें मैंने प्यारा सा जो 10,000 रुपये की वैल्यू करता था, और जो सूट था जब मेरे घर पे आया कोरियर के थ्रू, तो उसके अंदर से एक्चुअली उसका प्राइस ना बहुत डिस्काउंट में था। वो मुझे मिला था 1,350 रुपये का, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में। तो मैंने तुरंत उसको ऑर्डर कर लिया बिना सोचे कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसा रहा, आएगा नहीं आएगा। लेकिन जब वो आया तो मुझे पता लगा उसके अंदर 100-150 रुपये का कपड़ा सा है, बिल्कुल बेकार। तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी था, बंदे को पैसे भी दे दिए, वो चला गया। और उसके बाद में जब मैंने उसको कंप्लेन करने की कोशिश की तो किसी भी तरीके से उसकी कंप्लेन नहीं हो रही थी, ना उसका नंबर लग रहा था, वो गुजरात में से आया था सूरत से, और ना किसी से मैं कांटेक्ट कर पा रही थी। तो मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पे 2-3 दिन मेल वेल किए कि चलो किसी तरह पकड़ लेते उनको, कौन है क्या है, उसको वापस कर देंगे, बट वापसी का भी कुछ मेरे को मिला नहीं। देन अब मुझे पता लग चुका था कि मैं ठगी जा चुकी हूँ, तो मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही था, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं छोड़ सकती ना। आई एम नॉट अ नॉर्मल आदमी कि भैया आपको कोई लूट के ले जाए और आप बस हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। आई एम नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ। तो मैंने फिर उसके लिए क्या किया, मुझे कुछ करना था, कहीं से कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने उसी कंपनी से दोबारा से एक कोरे बुक कर दिया। आई एम स्मार्ट गाय सी। सो वो कोरे वाला अब मेरे घर पे आया तो मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा भैया दिखाइए क्या लाए हो, और उसने बहुत माना कि आप पैकेट नहीं खोल सकते हो। तो मैंने बोला रुक जा, और मैंने पैकेट खोल दिया। यस, उसके अंदर क्या निकला, वही कबाड़ा जो पहले आया था। इस बार मैंने 1400 का लिया था, पिछली बार मैंने 1350 का लिया, तो इस बार मैंने 1400 नहीं दिए। और मैंने पैकेट खोला और मुझे पता लगा उसके अंदर वो सामान नहीं था। दैट्स मीन कि हेलो गाइस, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम की है, तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि बाकी लोग भी इस ठगी का शिकार होने से बच सके। थैंक यू। इनकी वेबसाइट जो थी वो फ्रॉड थी, और उस फ्रॉड वेबसाइट के उस बंदे को मैंने पकड़ लिया था जो कि उसकी पहली चेन थी, कोरी वाला लड़का, ठीक है। देन मैंने पुलिस बुलाई और उसको उसके अंदर पकड़ा दिया। मैंने कहा ये लो, ये आदमी चोर है, मैं इससे पहले भी ऐसे किया, अभी भी ऐसे किया, फ्रॉड वेबसाइट का एक आदमी पकड़ा गया, ठीक है। उसके बाद में वो बंदा पकड़ा गया जहाँ से वो कोरी वाला आया था, जिसने उसे कोरियर डिलीवरी के लिए दिए। उसके बाद में जब डिलीवरी बॉय को जिसने दिए थे, सेकंड पर्सन ने एक थर्ड पार्टी का नंबर दिया। उसने कहा सर मेरे पास ये कोरियर आता है, इसके ऊपर ई कार्ड का नंबर लिखा हो, वो मेरे को वहाँ से मिलता है। अब उस थर्ड पार्टी को पकड़ना था, पुलिस वाले ने उसे नहीं पकड़ा मेरे सामने तो, और फिर उन दोनों को शाम तक बिठाया रखा, फिर पता नहीं कैसे उनको छोड़ दिया। और ठीक है, मैं भी घर आ गई। मैंने कहा चल, मैंने FIR तो लिखवा दी, अपनी तरफ से एप्लीकेशन दे दिया, देखो कुछ ना कुछ तो होगा। सेकेंड डे कुछ नहीं हुआ, मैंने पूछा सर क्या हुआ, उन्होंने बोला मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा। थर्ड डे कुछ नहीं हुआ, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने पिक नहीं किया। पुलिस वाले अंकल ने, मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं कुछ तो होगा, देखेंगे। अब उसके बाद में क्या था, कुछ भी नहीं था। थर्ड डे मेरे को फ़ोन आया, यानी कि कल मुझे फ़ोन आया, 14 तारीख को मेरे को फ़ोन आया कि मैडम, 14 अप्रैल को मेरे को फ़ोन आया, मैडम आपका जो कोरियर पिछली बार फ्रॉड आ गया था, उसके हम आपको पैसे दे देते हैं। ठीक है, अरे वाह, इतनी आसानी से, मतलब मैंने ख़राब माल का पैसा मिल रहा है, वापस मिल रहा तो मैं कल ले लूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा तो काम बन गया। बस मैंने तुरंत कहा सर मेरे मोबाइल नंबर के अंदर फ़ोनपे कर दो, 5 मिनट के अंदर मेरे पैसे आ गए। आई एम हैप्पी। लोग ठगे जाते हैं लेकिन उनकी पेमेंट्स कभी रिटर्न नहीं आती, मेरी आ गई। आई एम सो लकी यार, मैं मेहनती भी हूँ, मैंने उसे पकड़ा था ना, ठीक है, पुलिस कंप्लेंट की थी, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, मैं इतने में बैठ जाऊँगी? नो चांस, मैं बिल्कुल नहीं बैठी। और मैंने पुलिस वाले को उसका नंबर दिया और मैंने कहा सर
जिस अकाउंट में फ्रॉड के पैसे जाते हैं उस बंदे का अकाउंट नंबर मेरे पास आ चुका है, क्योंकि उसने मेरे को फोन पे किया और वो UPI से कनेक्टेड है, तो आप उसके अकाउंट को सीज करा सकते हैं। और आपके पास में एक बड़ी लीड मिल चुकी है और मैंने उसको नंबर फॉरवर्ड कर दिया, व्हाट्सअप मैसेज किया, क्योंकि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। यस, ठीक है ना। सो गाइस, उसके बाद में क्या हुआ, उसने फिर भी कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने उसका नंबर भी दे दिया, मैं कहा सर इस आदमी का फ़ोन आया था मुझे और आप देख लीजिए ये भी इसमें लिखते हैं, ये फ्रॉड काम करते हैं। पुलिस वाले ने फिर भी मुझे फ़ोन नहीं किया। ठीक है, नहीं किया, इट्स ओके यार, उसकी मर्जी, मैं कुछ कर रहा होगा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है शायद अभी, राइट गाइस। देन उसके बाद में मैंने चेक किया था पहले कि sulabh.com जो है SULABH.com sulabh.com आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, इसकी 100 से ज़्यादा ऑलरेडी कंप्लेंट्स हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद में भी ये वेबसाइट चल रही है आप लोगों को ठगने के लिए। ठीक है, मैंने अपने पैसे निकाल लिया, मैं उस वेबसाइट से कभी भी बुक नहीं करूँगी, लेकिन आप लोग, आप में से कोई एक बुक कर सकता है, आपकी माँ बहन भाई ब्रदर सिस्टर चाचा जी फूफा जी ताऊ जी मामा जी भैया जी पड़ोसी अड़ोसी, हाँ कोई भी आदमी उसमें से सामान बुक करेगा और वो ठगा जाएगा और वो इतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि 1300-1500 रुपये के लिए पुलिस कंप्लेन करे इधर उधर धक्के खाए, तो इसका मतलब वेबसाइट ऐसी चलती रहेगी, वो हज़ार लोगों के पैसे ऐसी लूटते रहेंगे और वो कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। इवन मेरे को कोरे वाले जिस लड़के को मैंने पकड़ा था, उसने कहा मैडम आप अभी भी बुक करोगे वो तो अभी भी भेज देंगे आपके पास, क्योंकि उनके रोज़ ही 100-200 पार्सल जाते हैं और इतने पैसे आ रहे हैं, उन्हें पुलिस वाले से बात करने में या किसी और से बात करने में क्या फ़र्क पड़ता है, एक दो लोगों के पैसे वापस भी कर देंगे जो तंग करेगा। गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, वेबसाइट के ऊपर 10,000 वाला सूट 2,000 रुपये की कीमत में दिखाते हैं और 1,350 रुपये तक में दे देते हैं, मतलब आपको 8,000 रुपये का डायरेक्ट फ़ायदा है। आप ऐसा कर सकते हैं कि sulabh.com से कोई भी प्रोडक्ट बुक करा लीजिए, कैश ऑन डिलीवरी है, घर पर मंगा लीजिए, जैसे ही कोरे वाला देने आएगा उसके सामने पैकेट खोल दीजिए, चाहे वो कितना ही मना करे, ठीक है, तो उसके अंदर अगर वो सामान सही नहीं होगा तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला कि आप उसको बोले कि मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करूँगा, उसकी पुलिस कंप्लेन कर दो अगर आप उसे पकड़वाना चाहते हो, उस वेबसाइट को बंद कराना चाहते हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हो, कोरे को खोल दो, उस लड़के को वापस दे दो, उसको बता दो कि भाई ये काम मत करो, ये चीटिंग। गाइस मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि जब आप किसी कोरे वाले को पकड़ेंगे जो कि आपके लिए फ्रॉड कोरियर लेके आएगा sulabh.com का, तो प्लीज़ उसे मारेंगे पीटेंगे नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक कोरे वाला है जो 10 रुपये में डिलीवर कर रहा है, उसको इसके बारे में नहीं पता होता, उसको ये भी नहीं पता होता कि जो इसके ऊपर बिल लगा वो भी एक नकली बिल है, उसके ऊपर विदाउट GST के बिल लगा होगा, और आप उसे तुरंत खोल के देखेंगे, हो सकता है कि खोल के देखने के बाद जब आप उसकी कंप्लेंट करें या फिर उसकी कंप्लेंट ना करें तो पैकेट खोलने के आवाज़ में उसको आगे से डांट खानी पड़े, बट क्योंकि उसके अंदर फ्रॉड प्रोडक्ट होगा तो आप उसे पकड़ लीजिए, उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है, लेकिन उसे मारना भी नहीं है, इसमें उसकी कोई ज़्यादा गलती नहीं है, वो नहीं है, वो तो सिर्फ 10-20 रुपये के लिए काम कर रहा है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं और छोटे चीटिंग है, नहीं तो तेरे को पुलिस में दे देंगे, तो वो आगे से जल्दी से ये कोरियर कंपनी का कोरियर नहीं लेंगे। और लास्ट थिंग जो जो है, जो कि कोरियर जब आपके घर पर आता है, आप ये बात को बहुत सीरियसली ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, जब आप किसी ऐसी फ्रॉड वेबसाइट से कोई भी सामान बुक करते हैं तो जब भी हमारे पास कोई कोरियर आता है उस कोरियर के डब्बे के ऊपर नॉर्मली GST नंबर नहीं होता, क्योंकि GST नंबर होगा तो हम उसे पकड़ सकते हैं उसकी कंप्लेंट करके, तो इसके ऊपर जो बिल लगा होता है उसके ऊपर GST नंबर नहीं था, वो बिल भी एक फ्रॉड होता है, जस्ट ऐसी एक फोटोकॉपी किया हुआ बिल ऊपर से चिपका देते हैं उसके ऊपर कुछ भी लिख के जो हमने सामान मंगाया था ऐसा कुछ ऑर्डर, और उसकी इसकी वजह से उसे कोई भी ट्रैक नहीं कर पाता, कहीं पर वो मिलता नहीं है, राइट गाइस। सो अगर आप में से कोई भी ऐसा बंदा हो जो इसको वेबसाइट को बंद कराने में इंटरेस्टेड हो और पुलिस के साथ में मिलके या मेरी कोई हेल्प करना चाहता है तो मुझे कॉन्टैक्ट